नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम आपको बता दें इस वक्त हम जौनपुर में है, माँ शीतला चौकिया के धाम के पास। आपको बता दें यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन होना है और 5 दिवसीय जो हनुमान कथा यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े बड़े महंत आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से प्रारूप यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। बैठने के लिए तमाम व्यवस्था आपको बता दें यहाँ पे बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर सरकार का आगमन होना है और तमाम ऐसे जो है बड़े बड़े जो है कथावाचक भी आ रहे हैं। और यहाँ पे तैयारी बहुत तेजी से चल रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री भी आ रहे हैं, लोग भी देख सकते हैं। और यहाँ पे तमाम देख सकते हैं यहाँ पे कार, मतलब यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, यहाँ पे जो महंत आ रहे हैं। तैयारी कथा की पूरी कर ली गई है, कल कलश यात्रा का जो है जी मित्तल जी आ रहे हैं। भैया आप बताइए जो यहाँ पे जो है तमाम ऐसे जो है महंत जी आ रहे हैं और लोग जो है पब्लिक जो है जिस तरह से पब्लिक का आना जाना काफी तेजी से सुर्खियों में चल रहा है यहाँ पर। देखिए भैया, जनपद जौनपुर का जी क्या प्रदेश लेवल का पहली बार ऐसा हो रहा है, प्रदेश लेवल का कार्यक्रम है। इतने दूर दूर से साधु संत महात्मा आ रहे हैं जी और ये प्रदेश लेवल का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में एक से बढ़ के एक अपने में सब हस्ती है जो आ रहे हैं और इतना बड़ा कार्यक्रम कराना बहुत बड़ी है। यहाँ के कार्यक्रम जो करा रहे हैं बहुत समझ लीजिए महीनों से मेहनत कर रहे हैं लोग और कार्यक्रम अब कल कलश यात्रा निकलना है सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकलेगा और 4 बजे से कथा वाचन चालू होगा, तो ये सब कार्यक्रम लगा हुआ है। और ये बताइए भक्तों में देखने का प्रयास किसी की लहर है, भक्त पहली बार ऐसा हो रहा है जो बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें तो जनपद जौनपुर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है क्या, आसपास के कई जिलों में मिलाकर पहली बार आयोजन हो रहा है। उतने बड़े बड़े साधु संत महात्मा आ रहे हैं और भजन गायक आ रहे हैं, कथा वाचन कर रहे हैं तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामचंद्रदास जी। और देख सकते हैं भीड़ की अगर बात करें तो यहाँ पे बैठने के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो देखिए यहाँ जो भीड़ बैठ सकती है, कितने लोग आ सकते हैं इस जो पंडाल में। यहाँ 35 पंडाल की बात करेंगे तो यहाँ मान लीजिए 20 से 25 हज़ार और अगर बाहर तक, क्योंकि इधर पर्दा नहीं किया जाए, इधर जो है सब खुला घेरा जाएगा जी। और फिर उधर सब खुला ही रहेगा, उधर खुला का कवरअप नहीं किया जाएगा, उधर भी कवर नहीं किया जाएगा, इधर भी सब खाली रहेगा। वहाँ मंडप बन जाएगा जी, उस साइड मंडप बनेगा, यहाँ पब्लिक जमीन पर रही बैठी हुई जैसा वगैरह बिछाया जाएगा, जिससे जो श्रोता हैं जो भक्तगण हैं वो आराम से बैठे, पंखा ही है और कैमरा चलता रहेगा और किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनको, इसलिए सब यहाँ कार्यकर्ता भी रहेंगे और तमाम प्रकार की सुविधाएं जो है मिलेंगी। हाँ, यहाँ भगदड़ भी ना हो, प्रशासन भी चपल रहे। अगर बात करें तो ट्रैफिक की जाम की स्थिति हो सकती है और तमाम इस तरह से बड़े बड़े संत आ रहे हैं, कहीं कहीं प्रशासन ट्रैफिक की अगर बात करें किस तरह से ट्रैफिक कंट्रोलिंग की प्रशासन ट्रैफिक की इस पर मीटिंग हो चुकी है और प्रशासन से मीटिंग के दौरान यह कहा गया है कलश यात्रा निकलना है तो पीछे से इधर से निकालेंगे, उधर से आ जाएंगे पंडाल में फिर, और जो साधु संत महात्मा आएंगे इस साइड से आएंगे। अच्छा, उनका बी आई पी, हाँ बी आई पी तरीके से, और बी आई पी मतलब अलग रास्ते से आएंगे जिससे जाम वगैरह नहीं लगे और आम पब्लिक के लिए दूसरा रास्ता है। अच्छा, आम पब्लिक के लिए किधर से होगी पब्लिक? एक गेट जो बना है वो बी आई पी के लिए ही बना है, जो साधु संत महात्मा आएंगे, जो कथा वाचन करने आएंगे, जो आपके भजन गायक आएंगे, तो ये सब बी आई पी गेट से ही आएंगे। कल का प्रोग्राम है कितने बजे चालू हो जाएगा? कल यहाँ देखिए 8 बजे। कितने भक्तगणों के लिए व्यवस्था की गई पंडाल में और एरिया के हिसाब से? 35,000 से 50,000 तक भक्त क्षमता है इस ग्राउंड का, इसमें आ जाएंगे। और तो आपको क्या लगता है, बाबा भागेश्वर भी आ रहे हैं तो 35 से 40 हज़ार उनके लिए तो भीड़ बहुत नॉर्मल है, इसलिए तो ये प्रशासन इसका कुछ होने पे कौन जिम्मेदार होगा? अरे काहे कुछ हो गया, इसीलिए उनकी ये क्षमता के अनुसार जो उनकी जो क्षमता है, पहली बात सुनिए, इसीलिए गुप्त रखा गया है 5 दिन में, आप जानते हैं किस दिन आएंगे वो, इसीलिए गुप्त रखा गया है। ये बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी जी, इसीलिए गुप्त रखा गया है क्योंकि प्रशासन भाई अब जितना क्षमता है उतना ही गया, प्रशासन इससे पीछे हट रही थी, इसके वजह से यह कहना पड़ा कि 5 दिन में किस दिन आएंगे यह नहीं बताया गया है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आगमन किस दिन होगा। आएंगे दर्शन करके चले भी जाएंगे, यहाँ ज़्यादा समय नहीं है, मतलब आएंगे भी तो 1-2 घंटे। तो जैसे देश के बड़े बड़े जो है जो संत आ रहे हैं, महात्मा संत, वो तो बड़े बड़े संत हैं, उनके में तो भीड़ होना बहुत लाजमी है। नहीं, उतना भीड़ की व्यवस्था किया गया है भाई, आप देख सकते हैं कि इतना भीड़ मैनेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ 50,000 पब्लिक कुछ होती है।
आराम से मैनेज हो जाएगा। प्रशासन उसके लिए चप्पल व्यवस्था की है, व्यवस्था टाइट की है, और हर दिन मीटिंग हो रहा है, मीटिंग हर दिन हो रहा है, प्रशासन के लोग से, नगर पालिका के लोग से सब बातचीत किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मैं इस ग्राउंड पे हूँ, कल जो है जिस तरह से यहाँ पे 5 दिवसीय हनुमान कथा होना है और यहाँ पे तमाम ऐसे बड़े बड़े संत भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह से देख सकते हैं अगर बैठने के लिए तमाम इस तरह से व्यवस्था की गई है, और कुछ पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। ये बताइए यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है, अगर बात करें तो यहाँ पर देखो जैसा मैं आपको बता दूँ कि शीतला धाम चौकिया जनपद जौनपुर की सिद्ध पीठ है, और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम जनपद जौनपुर के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जनपद जौनपुर में जिस तरह का एक कार्यक्रम हो रहा बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जितने भी मठाधीश हैं, जितने भी मठ के हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो किन्नर अखाड़ा की, चाहे अयोध्या से हो राजू सेठ, राजू दास जी महाराज हो, चाहे मनोज तिवारी सांसद दिल्ली के हो, चाहे रवि किशन सांसद हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम महाराज जो कि अपने आप में एक ब्रांड है, बागेश्वर धाम को लेकर यहाँ पर तमाम भीड़ है। लेकिन एक सवाल मेरा ये, बागेश्वर सरकार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुप्त रखा गया है, किस दिन आने वाले हैं या फिर भीड़ की स्थिति को देखते हुए गुप्त रखा है उस पर? बिल्कुल आपने सही कहा है कि क्योंकि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने आप में ब्रांड है, नाम है, उनको गुप्त इसलिए रखा है कि जिस तरह से जनसैलाब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाते हैं उनके कई भी प्रोग्राम मैंने देखे, जैसे अभी नोएडा में प्रोग्राम देखा कि एकदम भक्तों का जनसैलाब आ जाता है जिस तरह से है, और उनके गुरु खुद राम भद्राचार्य कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनके शिष्य यहाँ पर राम कथा करेंगे। आप आगमन है तो कल कितनी भीड़ हो सकती है, कल की व्यवस्था क्या रहेगी? देखो जिस तरह से राम भद्राचार्य यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्योंकि उनकी ये जन्म स्थली है जनपद जौनपुर, क्योंकि यहाँ पर उनका जन्म हुआ है, तो उसको देखकर भी यहाँ तमाम भीड़ रहे, जो महाराज जी आ रहे हैं राम भद्राचार्य जी, उनको लेकर प्रशासन खुद अलर्ट है, जो प्रशासन है खुद मुस्तैद है, क्योंकि जनपद जौनपुर में प्रशासन का हमेशा अच्छा रोल रहा है। किसी भी कार्यक्रम को अगर बात करें तो जाम की स्थिति पैदा हो सकती है, और आने जाने के आवागमन की अगर स्थिति अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी, पार्किंग की अगर बात करें तो पार्किंग किस तरह से व्यवस्था की? आपको बता दूंगा कि पार्किंग की जो गाड़ियों की व्यवस्था नहीं रहेगी, जो स्पेशल जो गुरु महाराज रहेंगे उनकी गाड़ियाँ आएंगी, यहाँ साइड में पार्किंग बना हुआ है, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर रिसीव होंगी, कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर होंगी, बाकी सब पैदल आने की स्थिति, क्योंकि और यातायात ने बड़ी जौनपुर जो यातायात के CEO हैं उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी कि गाड़ियाँ रूट डाइवर्ट्स रहेंगे, रूट कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आएंगी, जिससे जाम की स्थिति नहीं बन पाएगी, क्योंकि यातायात जो अधिकारी हैं CEO वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक बात सवाल मैं ये आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ के जो भक्त हैं, भक्तों में खुशी की लहर है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है? जी हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही है कि भक्तों में काफ़ी खुशी की लहर है, क्योंकि ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है जनपद के लिए, जनपद के लिए क्या, मेरे ख्याल से पूर्वांचल के आसपास जिलों में भी अगर धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम आते हैं तो ये ऐतिहासिक का पहला कार्यक्रम जनपद जौनपुर के लिए गर्व की बात होगी, यहाँ के मिट्टी के लिए ये बहुत खुशी की बात। अब सबसे बड़ी बात है माँ शीतला चौकिया धाम, माता रानी के दरबार के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ चाचा से बात करें, चाचा ये बताइए यहाँ पे जो प्रोग्राम होना है कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है यहाँ? कैसा लग रहा है? खराब है, ठीक है। अच्छा, आप यहीं के रहने, कहाँ से आए आप? गांव से आए, लेकिन प्रोग्राम अच्छा हो रहा है। प्रोग्राम अच्छा हो रहा है, गड़बड़ी तो नहीं दिखाई दे रहा है, तब लगते हैं बार बार हो। कितना एक्साइटेड है, कितनी खुशी है, बाबा आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं, कुछ भी बाबा का सही भाई, तो भाई बाबा का दर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, दर्शन मिलेगा, सब लोग दर्शन करेंगे, और उनके बाद रवि किशन भी आ रहे हैं, तिवारी आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से प्रोग्राम हो रहा है, और चौकिया धाम में है तमाम ऐसे महंत आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा पूरा इंतजाम कर लिया गया, अगर बात करें ट्रैफिक की, तमाम ऐसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है महंतों के लिए, विशेष प्रशासन यहाँ पे हाई अलर्ट है। कहीं ना कहीं इस वीडियो में मैं दिखाया हूँ जिस तरह से बागेश्वर बाबा जी आ रहे हैं, और तमाम ऐसे साधु संत आ रहे हैं, प्रशासन अलर्ट देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को देखने के लिए हमारे तमाम जो है बागेश्वर सरकार के जिस तरह से श्रोतागर हैं, और बागेश्वर सरकार जो आ रहे हैं देखने के लिए, मैं सभी दर्शकों का आभार रहेगा। इस वीडियो जय हिंद जय भारत।